अभी आपके प्लेट में आपके सामने रखा है पंजाब की पिन्नी, कर्नाटका का मुरक्कू, वेस्ट बंगाल की झाल मुड़ी और गुजरात का ड्राई फ्रूट बर्फी। शार्क्स, कितना अमेजिंग है ना कि यहाँ पे मुंबई में बैठे बैठे आपको लिटरली इंडिया के चारों कोनों के डिलीशियस खाना मिल रहा है। इंडिया में इतने डिफरेंट एथनिसिटीज और कम्युनिटीज है एंड सबके डिफरेंट डिफरेंट फूड कल्चर्स, चाहे आप इंदौर के पोहा की बात कर लो या बैंगलोर के क्रंची मुरक्कू की, चाहे आप बंगाल के फ्रेग्रेंट गोविंदोभोग राइस की बात कर लो या पंजाब के डोडा बर्फी की, इंडिया की फूड डाइवर्सिटी इज जस्ट अमेजिंग। और इसी इंडिया की अमेजिंग फूड डाइवर्सिटी को स्पॉटलाइट में लाने के लिए और लाखों घरों तक पहुँचाने के लिए हमने द स्टेट प्लेट की शुरुआत की है। द स्टेट प्लेट एक ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे हम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से फूड प्रोडक्ट्स लाते हैं एंड उसे पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। पहले हम रीजनल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके जो सबसे टॉप या आइकॉनिक ब्रांड्स हैं उन्हें अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं। अक्सर ये भी होता है कि बहुत सारे रीजनल प्रोडक्ट्स की कोई बड़ी ब्रांड नहीं होती है या वो अनलेबल्ड पैकेजिंग में ही बिकती है, उनके लिए हमने द स्टेट प्लेट की अपनी ब्रांड भी स्टार्ट करी है। ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पर 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम 8 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया और हमने आज तक 40,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए हैं। इसी बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए शार्क्स आज हम आपसे मांगने आए हैं 65 लाख रुपए, जिसके लिए हम अपने कंपनी का 2% स्टेक आपको देना चाहते हैं। तो शार्क्स, कौन जुड़ना चाहता है हमारे साथ इन मेकिंग स्टेट प्लेट द नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन एथनिक फूड। बिफोर वी गेट इनटू Q&A, थैंक यू सो मच गर्ल्स। Thank you. धन्यवाद. धन्यवाद. So welcome to Shark Tank. Thank you, Ashni. इससे पहले e-commerce कर चुके हैं, startup में काम कर चुके हैं. आपका क्या background है और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? Sharks, मैं वैसे बैंगलोर में born and brought up हूँ. राघव कोलकाता में born and brought up है. हम 22 साल के हैं. तो हम लास्ट ईयर हमने ग्रेजुएट किया है फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. हमने वहाँ पे अपना बीकॉम ऑनर्स किया था. एसआरसीसी तो दिल्ली में है ना? हाँ, एसआरसीसी दिल्ली में. वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई एक दूसरे से. कॉलेज के बाद हम दोनों की मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स में जॉब्स थी, बट उस टाइम कोविड आ गया था. हम दोनों अपने अपने होम टाउन में थे, राघव कोलकाता में और मैं बैंगलोर में. तब हमें ये आइडिया आया, हमने स्टार्ट किया. राघव ने अपनी जॉब 3 महीने के लिए ज्वाइन कर फिर छोड़ दी और मैंने ज्वाइन नहीं करी. तो फिर हम दोनों तब से स्टेट प्लेट चला रहे हैं. अब ऑलमोस्ट 15 महीने हो गए इस बात को. तो आप एसआरसीसी से हैं, तो मतलब आपके तो 99.5 होंगे और आपके 99.8 होंगे, ऐसे कुछ होंगे ना मार्क्स? आप 2 मिनट और पढ़ लेते 100 ही आ जाते हैं. हाँ, क्या क्या है मार्क्स? 98.5%. विजन क्या है आपका? प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं और विजन क्या है? What we want to do, जिस तरह से हल्दीराम ने भुजिया को बड़ा बनाया, आज के दिन भुजिया सबजन खाते हैं, उस तरह से हम चाहते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है उसके एक ब्रांड आए, लोगों के अंदर से वो ट्रस्ट आए एंड फिर लोग मुरक्कू भी खरीदे, गोविंदोभोग राइस भी खरीदे. तो आप हल्दीराम बनाना चाहते हैं न्यू एज? हम स्टेट प्लेट बनाना चाहते हैं विच विल बी अ प्लेटफॉर्म और उसके अंदर बहुत सारे हल्दीराम जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ब्रांड्स रहेंगे. मुस्कान राघव, हर चीज हर टाइम नहीं बन सकते. अगर हम पूछे कि एक चीज बताओ आप क्या करना चाहते हैं तो क्या होगा? अभी हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हमें डेफिनेटली प्लेटफॉर्म और D2C दोनों रिटेन करने हैं, क्योंकि हमने अभी तक अपना प्राइवेट लेबल उतना ज्यादा टेस्ट नहीं किया अलग अलग कैटेगरीज में. मे बी अगर हमें कुछ उभरते हुए कैटेगरीज रियलाइज होंगे तो शायद फिर हम उन्हीं में घुस जाएंगे. तो आपकी सेल्स कितनी है? आज तक टोटल 15 महीने में हमने 4.25 करोड़ की सेल कर ली है. 4.25 और अभी लास्ट के 2-3 महीने की एवरेज की बात करेंगे तो लास्ट के 2-3 महीने एवरेज हमने 40 लाख पर मंथ किया है. 40 लाख पर मंथ at marketing cost of around 15%, to 6 lakh se 7 lakh ke beech aap maan. Well done. To profitable hai? Nahi, abhi hum burn kar rahe hain. Kyun kyun aisa? Agar aap 40 lakh rupaye kar rahe hain mahine ke, 15% khali customer acquisition pe kharcha kar rahe hain, to baki kahan lag raha hai? Maal to aapka private label bech rahe ho. Jaise private label humne 2 mahine pehle chalu kiya hai, उससे पहले तक हम खाली एक मार्केट प्लेस मॉडल थे जहाँ पे हम प्रोडक्ट सोर्स करके लिस्ट करते थे एंड सेल करते थे. तो हमारा ग्रॉस मार्जिन अराउंड 34% था. उसके बाद अराउंड 14-15% हमारा शिपिंग में चला जाता है, 15% एक्विजिशन में चला जाता है, 2-3% ट्रांजैक्शन चार्ज पैकेजिंग चार्ज में चला जाता है. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 में हम ब्रेक इवन कर जाते हैं. तो अभी कितना हो गया ग्रॉस मार्जिन प्राइवेट लेबल इंट्रोड्यूस करने के बाद? मार्केट प्लेस से 30% आता है, प्राइवेट लेबल से 50% है. तो लास्ट 2 महीने में हमने 20% सेल्स हमारी प्राइवेट लेबल से की है. तो ये सब प्रोडक्ट्स जो आपने खिलाए ये प्राइवेट लेबल के हैं कि ये लोकल है? खाली झाल मुड़ी को छोड़ के तीनों हमारा प्राइवेट लेबल है, खुद मैन्युफैक्चर हम नहीं करते. तो जैसे फॉर एग्जांपल गोविंदोभोग राइस है, ये राइस की बहुत सारी मिल्स होती है वेस्ट बंगाल में, तो हम अलग अलग मिल्स को कॉन्टेक्ट करे जिनकी कैपेसिटी अच्छा है वो डायरेक्टली फार्मर्स से सोर्स करते हैं.
तो उनसे बात करते हैं, पैकेजिंग उनके पास पहुंच जाती है, वो हमारी पैकेजिंग में करके हमें भिजवा देते हैं। ब्रांड्स में ये कुछ स्टेट प्लेस के बॉक्सेस दिख रहे हैं मुझे, और नीचे कुछ चार पांच अलग अलग आइटम्स हैं, वो क्या है देख लेते हैं। हाँ, और अभी आपने इन्वेस्टमेंट भी रेज किया एंजल। सो पहले 12 महीने तक हमारा खुद का बूटस्ट्रैप था, उसके बाद अभी लास्ट सितंबर में, इस सितंबर में हमने एंटलर इंडिया से फंड्स उठाए हैं। कितने पैसे उठाए आपने? हमने 1.3 करोड़ उठाए उनसे। एंटलर इंडिया एट व्हाट वैल्यूएशन? 13 करोड़। 10% दिया आपने? हाँ जी। आपका खुद का कितना पैसा लगा हुआ है? अराउंड 40 लाख। इक्विटी 50-50 है ना? अभी दोनों 50-50 है। हम 40-40 है, 10% हमारी ESOP पूल सेट असाइड है और 10% अभी एंटलर होल्ड करता है। और CEO कौन है बिजनेस में? मैं। और आप ऑपरेशंस देखते हैं? तो मेरा डिसीजन बन चुका है, बिजनेस अच्छा है, 22 इयर्स में शुरू किया, दैट्स ग्रेट, लेकिन इस बिजनेस में एक तो मैं एक्सपर्टीज नहीं दे पाऊंगी, सेकेंडली वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये खाना निकाल दें यहाँ पर। हाँ। और मेरे को ये रीजनल फूड डिलीवर्ड टैगलाइन निकाल दें। हाँ। और द स्टेट प्लेट में देखूं। हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आएगा ये क्या है, राइट? माय माउथ विल नॉट वाटर, मुझे कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं फील होगा। नहीं, मेरे को ये बताओ, जैसे क्या होता है ना, 10-10 रुपए में भुजिया बिकती है, छोटे छोटे पैकेट में, 15 रुपए का, 5 रुपए का पैकेट, वो इसलिए बिकती है क्योंकि मार्केट बढ़ जाती है, करेक्ट? तो आप अभी जो नीश मार्केट को कर रहे हो, उसे मास में कन्वर्ट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगती है वो ये है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ बस। क्यों, मेरे सवाल का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है? आपका सवाल ही नहीं था। सवाल था ना मेरा, मेरे को लगा आपने ज्ञान दिया था। तुम सुनते नहीं हो। बाकियों से पूछ लो, सबको ये लगा कि आपका हो गया। आई थिंक नहीं, उनका बोल दो पहले, कोई बात नहीं, कैन कम बैक टू। आई थिंक दोनों का एक सिमिलर आंसर ही होगा, दैट इज जब हम बेसिकली हमारा एंड विजन इज जो हमें अभी लग रहा है विल वर्क द बेस्ट इज द हाउस ऑफ ब्रांड स्टोरी, विच इज हैविंग इंडिविजुअल ब्रांड्स फॉर एन इंडिविजुअल कैटेगरी। तो इसको बड़ा कैसे बनाएंगे? आज के दिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप जो मुरक्कू खा रहे हो, जनरल स्नैक है ये, कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कर्नाटका में ही चलेगा, बट इसकी लाइक देयर इज नो बिग ब्रांड जो कि आप आज जानते हो फॉर मुरक्कू। जैसे भुजिया के लिए हल्दीराम बना, वैसे मुरक्कू के लिए आज तक कोई बना नहीं है कुछ भी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो हिडन ट्रेजर्स है उसको बड़े स्टेज तक लेके आना है एंड सबको मार्केट करके उसका एक ब्रांड बनाना है। तो आपको अल्टीमेटली क्या बनाना है? एथनिक फूड स्नैक्स कंपनी? एथनिक फूड नॉट स्नैक्स, एवरी ऑल कैटेगरी। व्हाई नॉट, स्नैक्स इज द लार्जेस्ट कैटेगरी ना। स्नैक्स जरूर लार्जेस्ट है, बट जो रिपीट यूज केस बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे वो चावल घी ये सब। आप चावल घी मतलब किस टाइप का? लूज चावल घी? आई थॉट यू आर बिल्डिंग अ स्नैक्स कंपनी। नहीं, तो हम अक्रॉस कैटेगरीज कर रहे हैं एक्चुअली। नाम है गोविंदो भोग राइस, जो कि एक फ्रेग्रेंट राइस होता है जो सिर्फ बंगाल में ही प्रोड्यूस होता है। और मतलब जैसे बिरयानी या कुछ प्रोडक्ट्स इससे बहुत अच्छे बनते हैं, सो दिस इज नॉट बेसिक जो बासमती राइस होती है। जैम्स भी हम करते हैं, फिर माउथ फ्रेशनर्स भी हम करते हैं। तो आप रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू पैकेज सेगमेंट में पूरा बेचो? पैकेज सेगमेंट में सारा बेचो। हां, मुस्कान राघव, मैं ना यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट करना चाहता हूँ और करता हूँ, ठीक है, बट दिस इंडस्ट्री इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्पिटिटिव एट आफ्टर अ स्टेज द ग्रोथ प्लेटोस, फॉर दैट रीजन अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। और मैंने भी यार ये ग्रोफर्स में बहुत देखा है, हम भी वहाँ पे प्राइवेट लेबल बनाते थे। चैलेंज ये है कि जो रेलिवेंट रिटेलर हैं उन सबको अपने प्राइवेट लेबल बनाने हैं, और मेरे को दूसरी साइड की स्टोरी नहीं दिख रही जहाँ पे मेरे को लगे ये डिमांड साइड पुल बन जाए ऑटोमेटिकली, कि हल्दीराम जैसा कोई ब्रांड बन जाए कि रिटेलर को ही रखना पड़े। तो इस कारण से मेरे को लगता है टफ है, इसलिए मैं इससे बाहर। बिजनेस तो मतलब ये बड़ा बनेगा, पक्का बनेगा, बिकॉज प्रूव अस रॉन्ग, यू आर, यू नो, दैट इज अमेजिंग, वी विल फॉर श्योर। मैं आपको 65 लाख ऑफर करने के लिए रेडी, लेकिन मेरे को एक ही प्रॉब्लम है। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि आपको एक स्पेशलाइज्ड ग्रोसरी कंपनी बनानी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अगर आपको एक एथनिक फूड स्नैक्स कंपनी या डेलिकेसीज बोल लीजिए, नॉट जस्ट स्नैक्स, बनानी है, ब्रांड बनाना है, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट है। अभी आई थिंक हमें प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें सारे कैटेगरीज रहेंगे। हमें लगता है कि अगर हम पूरा कैटेगरी देते हैं तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा। आज के दिन बिग बास्केट भी ऑलमोस्ट 1500 से 2000 के आसपास एवरेज ऑर्डर वैल्यू रख पा रहा है इवन एट टुडेज डेट, बिकॉज उनके पास ब्रेथ बहुत अच्छा है। लॉजिकली स्पीकिंग राघव, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर ऐसा सोचते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, बास्केट साइज बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेंगे, एंड आई विल मेक अ बिग बिजनेस। लेकिन आप असली में देखने जाए ना, तो
कंज्यूमर साइकोलॉजी जब सोचते हैं तो ब्रांड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ब्रांड स्टोरी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक ब्रांड लेके या दो ब्रांड लेके चार ब्रांड लेके आप एक साथ में नहीं बढ़ा सकते। आपको फर्स्ट तीन चार हीरो प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेंगे, आपको अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आगे बढ़ पाएंगे। मैं आउट हूँ इससे क्योंकि आई एम नॉट श्योर वेयर यू आर गोइंग, लेकिन आप दोनों बड़े अच्छे लगे, कुछ बड़ा काम करोगे, गुड लक। ऐसा नहीं है कि अभी हम स्नैक्स में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो कि मुरक्कू हो गया, वो बाहर हो गए। नहीं नहीं, आप स्नैक्स में कर रहे हो कुछ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको सिर्फ स्नैक्स करना चाहिए। अब वो आउट हो गए, तो वो हमने ये आउट हो गए, आप पीयूष में चारों बाहर हैं, हम इनसे बात करेंगे, ये वापस इनमें आएंगे। कोई चीज अगर हल्दीराम 100 रुपए की बेच रहा है तो आप कितने की बेचते हो? अराउंड आप 15-20% मान सकते हो एक्स्ट्रा। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 20 लाख फॉर 3% इक्विटी एंड 45 लाख डेट इज माय ऑफर, और मुझे लगता है कि इसमें काफी स्ट्रेटेजिक वैल्यू मैं लाऊंगा जिसके लिए मुझे इक्विटी चाहिए। तो आई थिंक एक चीज हमने बिकॉज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले 13 क्रॉस की वैल्यूएशन पे उठाया है, मेरे हिसाब से आपको इश्यू नहीं होगा, आप जाके अपने इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं कि नहीं उनकी बात नहीं है, बट इट्स अबाउट अस, हमें डाउन राउंड तो नहीं करना। नहीं, ये डाउन राउंड नहीं है, मैं भी नहीं चाहूंगा कंपनी का डाउन राउंड हो। एक मिनट हम लेना चाहेंगे। या प्लीज ले लो। मेरे हिसाब से तो भाई नहीं करना चाहिए। इतना बेस्ट ऑफर दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द ऑफर पीयूष, हमारा एक काउंटर ऑफर है, या तो हम 20 लाख फॉर 1.5% कर सकते हैं या 40 लाख फॉर 3% कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपके 1.5% या 3% जो भी आप दोगे बहुत बड़ा बना के देंगे आपको। चलो 3% 30 लाख, 35 लाख डेट, दिस इज द बेस्ट ऑफर। इसको 40 लाख नहीं, ये 3% 30 लाख, दिस इज द बेस्ट ऑफर। ये 10-20 लाख की गेम खेल के बहुत ज्यादा होगा। 3% 30 लाख, यस और नो? प्लस 35 लाख डेट। चलो लाख फॉर 3%। हम सच बता रहे हैं आपको 10 लाख बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, बट हम नहीं चाहते जो हमने लास्ट 3 महीने पहले जो वैल्यूएशन पे हमने उठाया था उससे हम नीचे आए। चलो 40 लाख 3% डील डन। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Now do make it bigger. Yes, for sure. हेलो शार्क्स। हेलो। इंडिया में एक नई वेव आती है, एक बार इंजीनियरिंग की वेव आई थी तो सब इंजीनियर्स बनने चले गए, उसके बाद एमबीए की वेव आई तो सब एमबीए करने चले गए, फिर सारे इंजीनियर्स को लगा अपने स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो सबने माइक पकड़ लिया और उसके बाद अब वेव आई है स्टार्टअप्स की, और अब हर इंजीनियर लगा हुआ है लाइन में फंडिंग उठाने के लिए, और ऐसे ही आपके सामने एक और एवरेज इंजीनियर तैयार है आपकी फंडिंग लेकर दुबई भागने को तैयार। मेरा नाम है सुमित कुमार, कॉमिक्स और एनिमेशन है मेरा व्यापार, और करंटली आई गेस मेरे जेब में 5,000। तो हर फंडिंग को एक इमोशनल पिच की जरूरत होती है, और मेरी इमोशनल पिच ये है कि मैंने बचपन से पढ़ी है कॉमिक्स, रात दिन सुबह शाम दिन की 10-10, 20-20, और एनिमेशन देखी है कैथोड रे ट्यूब वाले मोटे टीवी से चिपक कर। तो मैं एनिमेशन और कॉमिक से कभी बाहर नहीं निकला, पर आप लोग सब क्यों निकल गए? सीरियसली, इंडिया की एनिमेशन VFX एंड एडिटिंग इंडस्ट्री इस 3.5 लाख करोड़ INR की, बट उसमें वेयर इज कॉमिक्स एंड एनिमेशन फॉर एडल्ट्स? और एडल्ट से वो मतलब नहीं जो आप सोच रहे हैं, ग्रोनअप्स के लिए। कहाँ है, कौन बताएगा कहानी एनिमेशन और कॉमिक्स में? प्रेजेंटिंग बकर मैक्स।
बकरमैक्स एक फुल फ्लेज्ड वेब कॉमिक और एनिमेशन स्टूडियो है। हम लोग महीने की 4 वेब कॉमिक्स और 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाते हैं और हम लोग उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं बकरमैक्स.com पर, जहां हमारे अलावा 40 और कंट्रीब्यूटर्स अपनी कॉमिक्स और एनिमेटेड शॉर्ट्स रिलीज करते हैं। हमारे पास बहुत ही एब्सर्ड आईपी है। हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम है बाबू गोशा। वो बीच में जो फ्रूट है उसको कोई नाशपाती बोल दे तो उसे गुस्सा आ जाता है। बाबू क्या है? बाबू गोशा। समझ। देन देयर आर कैरेक्टर्स लाइक आपकी पूजित एंड मेनी मोर आईपी। ये हमारे बिजनेस का एक वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल है जो है क्लाइंट वर्क। अब मेरे बाप का पेट्रोल पंप तो है नहीं, तो हम लोग डिजाइन कॉमिक्स और एनिमेशन में क्लाइंट वर्क करते हैं इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, और जो उससे पैसा आता है उसे ओरिजिनल स्टोरीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं एयरबीएनबी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एयरबीएनबी एंड स्टैंडअप कॉमिक भी हो तुम शायद? ब्रीफली कभी किया था। मैं वही हूँ ना पूरा वही पाइपलाइन है मेरा भी। बट हाँ, सो हमारा विजन बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोगों को सारी एनिमेशन और कॉमिक्स इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करके एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाना है और उसके बाद करोड़ों रुपए कमाकर मार्स पे अपना एक 3 BHK लेना है और रिटायर। सॉरी, हम लोगों को बस एक रिस्पेक्टफुल डिसेंट कॉमिक्स और एनिमेशन ब्रांड बनाना। और ये क्या करेगा साइड में खड़ा होकर? कंट्रोल करेगा उसको यार। आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। हेलो शार्क्स। अरे आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मेरा नाम दिवसांग है और मैं बस बकरा हूँ। दिवसांग इज एन एनिमेटर इन आवर टीम। ही इज द यंगेस्ट पर्सन इन आवर टीम। ही होल्ड्स सम ईसॉप। व्हाट इज योर नेम? क्या बताया? दिवसांग। स्पेलिंग क्या? सो बेसिकली आर्टिस्ट का अलग अलग नाम होता है ना, शर्ट पे लिखी हुई है। अच्छा, तो मैंने भी अपना नाम को जोड़ दिया, दिव्येश तांगानी को दिवसांग कर दिया। अरे आज तो मांगा ही नहीं ना। आर आस्क इज 35 lakhs for 5% of our company. Sumit Devsang, welcome to Shark Tank. आपका बड़ा interesting pitch था। मुझे ये बताओ कि आपने पहले क्या किया है? मैंने इंजीनियरिंग एक्चुअली बहुत पहले छोड़ दी थी एंड मैंने मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कॉमिक्स वॉज इंटर्निंग विद कार्टूनिस्ट प्राण, जिन्होंने चाचा चौधरी बनाई है। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग मोर एंड मोर एंड मोर कॉमिक्स। I also did something naughty where I wrote 3 stories for Savita Bhabhi. Oh! और उसके अलावा मैं founding team में था Comic Con India की. Oh nice. Oh good. और दिवसांग? I'm 23. Engineering मैंने भी की है, but मेरे को cartoons और comics में हमेशा से interest था. तो मैंने इनकी comics वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, बकरमैक्स की comics. फिर मैंने वहाँ पे job के लिए apply किया, फिर वहाँ से rejection आया. इनसे? हाँ, बोले कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बकरे से रिजेक्शन आया। फिर? But then I said कि मेरे को इंटर्न ही रख लो, मैं थोड़ा बहुत काम करके सीख जाऊंगा। But then he hired me full time and अभी 1 साल हो गया मेरे को। अरे very nice है। अभी full time intern। तो आप अपना काम दिखाओ पहले, उससे ना थोड़ा और समझ आएगा। हाँ, हमारा एक ब्रीफ क्लिप है तो वो चला देते हैं। ये कार्टून बच्चों के लिए नहीं है, समझे? I think I've reached the place. I'm at the door. Chill, then I bounce. Chill. Bye, bye, bye. अरे प्रोड्यूसर जी, आप कैसे हैं? Hey Pujite, just came in to check on the परिवार. All good. पर प्रोड्यूसर जी, अब हम क्या करें? Whatever you wish, परिवार. You free now. ये free क्या होता है? बहुत घटिया चीज होती है बेटा, सब कुछ खुद करना होता है और ब्लेम करने के लिए कोई होता भी नहीं है। हमें टीवी पर कोई क्यों नहीं देखना चाहता प्रोड्यूसर जी? No one's watching TV anymore, Pujitesh. It's all online. आपको कैमरा फोन चाहिए, आपको आईबॉल्स चाहिए और आप स्टार। Anyway, shall bounce. We'll catch up sometime. ठीक है? Okay, चलो, bye bye. मेरे को एक बात बताओ यार, जो चाचा चौधरी कॉमिक थी उसका क्या हुआ? आज की डेट में बिकती है नहीं बिकती है? हमारे टाइम पे तो बहुत चलती थी। आज के टाइम में बिकती है और एक्चुअली पिछले हफ्ते हमने क्रेड ने लॉन्च किया वो एड। हमने बनाई। आपने बनाई थी? वो बहुत क्रिएटिव एड है। हमने लिखी, हमने पिच की, हम राइट्स लेकर आए क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स हैं। नाइस। हमने एनिमेट की। कौन सा? चाचा चौधरी की है। हां, क्रेड ने लॉन्च करा है। बहुत सही। एक webtoons.com है ना? तो वो दुनिया का बहुत सबसे बड़ा शायद कार्टून एनिमेशन डेस्टिनेशन। आई डोंट इवन नो हाउ मेनी यूजर्स, लेकिन बहुत ज्यादा। तो आप कुछ ऐसा करना चाहते थे बकरमैक्स के साथ? हाँ। और क्या हुआ, क्यों नहीं बन पाया? आई थिंक हम लोग मार्केटिंग में कहीं पीछे हैं, जहाँ हम वो मार्केटिंग का गैप कवर नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी जब हमारी चीजें पढ़ता है तो वो कहता है कि
ज्यादा लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता? तो ट्रैफिक कितना है आपके साइट पे ये बता दीजिए। ट्रैफिक बहुत कम है। ट्रैफिक अभी हमारी वेबसाइट पे मंथली एवरेज ट्रैफिक 9000 है और यूनिक यूजर्स 3000 है। अरे इतना, अगर आपका कंटेंट में दम होता तो ये तो बहुत ही कम ट्रैफिक और बहुत ही कम यूजर्स हैं। इसका मतलब कंटेंट इज नॉट वायरल। आई एग्री। तो फिर करते हैं। तो फॉलोअर मेरे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आप बताइए, आप पैसे कैसे कमाते हैं? एड रेवेन्यू? ओरिजिनल कंटेंट अभी पैसे नहीं कमाता है। आईपी के प्रोस्पेक्टिव सेल्स पे हम काउंट करते हैं। जो कंपनी का रेवेन्यू है लास्ट 6 मंथ्स का, एवरेज रेवेन्यू पर मंथ इज 5.8 लाख इंक्लूडिंग सर्विसेज। ऑल ऑफ दिस इज सर्विसेज। ऑल इज सर्विसेज। अच्छा, इससे कोई रेवेन्यू है ही नहीं बकर मैक्स से? बहुत लिमिटेड, स्मॉल, नेक्स्ट टू नथिंग। क्यों नहीं बन रहे फॉलोअर आपके? आई थिंक हमने बहुत टाइम तक कॉमिक्स पे डिपेंड किया रादर देन एनिमेशन, और उसके लिए अभी रिसेंटली हमने पिवट किया जहाँ हमने एनिमेशन ज़्यादा बनाना शुरू किया। और वो बहुत टाइम तक इसलिए भी था क्योंकि एनिमेशन कॉस्ट हैवी होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो तब हो पाया जब क्लाइंट वर्क ज़्यादा हो पाया, जब हम प्रॉपर कंपनी बने। सुमित, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। मेरे 3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, ह्यूमर एक बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। किसी को एक चीज पे हंसी आ सकती है और दूसरे को लगे कि ये बिल्कुल फनी नहीं। Absolutely. दूसरा मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे सचमुच आपने जो अभी डेमो दिखाया, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और थर्ड, मेरा ये मानना है कि आपने जो क्रेड के लिए किया, विच इज यूजिंग योर क्रिएटिविटी एंड एनिमेशन स्किल्स फॉर एडवर्टाइजिंग और ऐसी चीजें, आई थिंक दैट इज अ बेटर बिजनेस मॉडल देन यूजिंग इट फॉर कॉमिक्स और ओन कॉन्टेंट, और इसलिए मैं आउट हूँ। तुम्हारे साथ मेरे को प्रॉब्लम पता क्या लग रही है कि तेरे को बहुत मजा आता है, मतलब तू अपनी कॉमिक देख देख के नीचे लेट लेट के हंसता रहता होगा, ठीक है? मेरे को ऐसे विजुलाइज कर रहा हूँ मैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, और तेरे को इतना मजा आता है कि तू कभी धंधे की तरफ से नहीं सोचेगा, तू हमेशा क्रिएटिव माइंड रहेगा। तेरे को लगेगा भाई ये तो मैंने फोड़ दिया, मतलब ये तो अलग लेवल है, ये तो मैं छापूंगा छापूंगा एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन बिजनेस, ठीक है? तो उस कारण से मैं इस पे आऊंगा। तो मैं आपको कहता हूँ माई व्यू, आपका सर्विसेज बिजनेस ठीक चल रहा है, इसको और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आपको साइड में ये करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस में कब कोई आईपी निकल पड़े कोई नहीं जानता। हमने ये खुद देखा है, एक आईपी निकल जाती है, आपको जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी पिक्चरें बनती है, उसकी यू नो सब हो जाता है। तो साइड में आपको ये करना चाहिए, लेकिन अपने सर्विसेज बिजनेसेस को बड़ा करो। इंडिया में रहोगे तो एनिमेशन में यही काम है, कॉमिक्स में यही काम है, बाकी काम से आप आईपी से पैसे नहीं बना सकते हो, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इस वजह से मैं आउट हूँ। बड़ा विश यू द बेस्ट। मेरा भी डिसीजन यही है। आपकी पिच जो थी ना, उसमें सबको मजा आ रहा था क्योंकि वो आप कर रहे थे, लेकिन जब आपने मेरे को कंटेंट अपना कन्वर्ट करके दिखाया ना एनिमेशन में, और जब आपने ये सब कैरेक्टर्स बनाए, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। यू लॉस्ट मी देयर। अगर आपका कॉमेडी अच्छा है, इसकी वायरलिटी की मैं वेट करूंगा। जब आपका थोड़ा बिजनेस आ जाएगा ना, आप मुझे कॉन्टेक्ट करना। अभी के लिए फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। सुमित, मेरे को इंटरेस्ट है इस बिजनेस में, मैं खाली एक ही चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि आपके फॉलोअर्स इतने कम क्यों हैं। मेरे को भी यही प्रॉब्लम। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपका? मेरे को भी यही। कहीं आपको? आप बंदे सही हो वैसे। यार तो बंदा सही है। आई थिंक अगर मुझे समझ में आ जाए ना कि आपका कंटेंट ऐसा होता ना, कभी कभी आपके 9000 फॉलोअर इसलिए हैं, आपके 2000 इसलिए, क्योंकि आपने छक्का नहीं मारा है अभी, आप ठीक है, विच इज ओके। अगर वो समझ में आ जाए कि कॉन्टेंट ही प्रॉब्लम है और कॉन्टेंट ठीक हो जाएगा, तो आई एम ओके टू इन्वेस्ट, पर शायद आज अभी नहीं कर पाऊंगा, बाहर मिलेंगे। अब मेरे को भी मिलना, खाली पीयूष को मत मिलना। हम तीनों एक साथ मिल लेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। बकर मैक्स अच्छा था। जाते जाते एक जोक सुना दो अगर सुना सकते। पौधे इतने फिट के होते हैं। पौधे इतने फिट के होते हैं, पता नहीं लाइट खाते हैं ना। ओहो, अच्छा हुआ इन्वेस्ट नहीं किया भाई, थैंक यू। नहीं समझ आ रहे जोक्स भाई। थैंक यू, थैंक यू। मेरे दिमाग में एक ऑफर तो थी 35 लाख 35%। मेरा भी यही था। नहीं पर तुझे कंटेंट में इतना इंटरेस्ट क्यों है तुम दोनों को? क्योंकि यार यही फ्यूचर है यार, कंटेंट इज द फ्यूचर। अगर आपका कंटेंट ठीक है ना, तो आप यूट्यूब स्टार्स बन सकते हो। दे चार्ज मोर देन सेलिब्रिटीज आल्सो टुडे। इनकी फॉलोअरशिप बन जाए तो देर इज लॉट ऑफ मनी इन एडवर्टाइजिंग। देर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन चार्ज फॉर वन इंटीग्रेशन।
ये बिजनेस में ना ऐसे ये टोटल ग्रीन सिग्नल नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं, तो इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। इस वैल्यूएशन में तुमने बहुत तोड़ू डील कर ली है, तुम लोगों ने शार्की डील करी है, शार्की डील है ये। मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ शार्की डील। इस सेगमेंट पे ना ज्यादा लोग उतरते नहीं है, बाकी जगह कॉम्पिटिशन का डर होता है। अश्नि इसमें मार्जिन नहीं है आज की तारीख में, बिल्कुल मार्जिन तो प्राइस बढ़ा देगा, उसमें क्या है। We'll be right back.